अगर आप चाहते हैं पावर पॉइंट क्रिएट करते समय मैं अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकूं और ख़ुद को भी रिकॉर्ड कर सकूं, तो आप आसानी से इसे एंड्रॉयड फ़ोन में कर सकते हैं। लैपटॉप में तो हम इसे OBS की हेल्प से रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट सबके पास लैपटॉप नहीं होता है, तो हम इसे आसानी से अपने एंड्रॉयड फ़ोन से भी कर सकते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे हम किस तरह से एंड्रॉयड फ़ोन से रिकॉर्ड करेंगे खुद को भी और अपने स्क्रीन को भी। तो इसके लिए हमें अपनी पावर पॉइंट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर हम पावर पॉइंट को ओपन कर लेंगे। अगर अभी तक आपने पावर पॉइंट को डाउनलोड नहीं किया है तो इसे आसानी से आप प्ले स्टोर में डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी वीडियो मैंने बना रखी है, इसे मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगी। तो हम यहाँ से पावर पॉइंट को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमारा पावर पॉइंट ओपन हो चुका है। यहाँ पर पहले से मैंने प्रेजेंटेशन बना कर रखा है। आपको अपनी स्लाइड को प्रिपेयर कर लेना है, जो भी ट्रांजिशन इफेक्ट आप देना चाहते हैं आप वो दे देंगे। मोबाइल से पावर पॉइंट किस तरह से क्रिएट करते हैं इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ आप इसे किस तरह से करेंगे। आपको स्लाइड्स बनाने के लिए अगर ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना है तो आप ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेंगे, या टैम्पलेट्स लेना है तो टैम्पलेट्स ले लेंगे। अगर हमें ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेना है तो हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारी स्लाइड्स आ जाती है। अब आपको जो भी यहाँ पर लिखना है आप लिख सकते हैं। इसके लिए आपको जस्ट यहाँ पर डबल टैप करना है और उसके बाद यहाँ पर कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइंस, फॉन्ट के कलर्स, बुलेट्स इत्यादि सभी ऑप्शन दिए गए हैं। नीचे एरो पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको होम में फॉन्ट कलर, क्लियर फॉर्मेटिंग, फॉन्ट फॉर्मेटिंग सारे ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप कोई न्यू स्लाइड लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे लेआउट दिए गए हैं, अगर आप कोई लेआउट लेना चाहते हैं तो यहाँ से लेआउट ले सकते हैं। होम पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड्स और रिव्यू व्यू आदि ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी यूज़ करना चाहें यूज़ करेंगे। इंसर्ट में आपको टेबल, पिक्चर्स, वीडियो, ऑडियो, न्यू कमेंट, न्यू स्लाइड के ऑप्शन मिलते हैं, स्मार्ट आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स, तो ये सारे ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। इन सबको मैंने डिटेल्स में बता दिया है। अब अगर हम चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को अपने फेस के साथ बताना, तो इसके लिए आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड करना होगा। आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप टाइप करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डर। यहाँ पर आपको जो ब्लू वाली स्क्रीन रिकॉर्डर दिख रही है इसे हम डाउनलोड कर लेंगे। इसे सिंपल आपको ओपन करना है। मैंने इसे पहले से डाउनलोड करके रखा है तो यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इसे इंस्टॉल करना है, तो आप यहाँ से इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने जो भी रिकॉर्ड किया है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर हम सेटिंग पे चलेंगे। सेटिंग्स में आप रिजोल्यूशन देख लीजिएगा, आप क्या रिजोल्यूशन रखना चाहते हैं वो आप यहाँ से सेट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप कितना बिटरेट रखना चाहते हैं वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। रिकॉर्ड ऑडियो के ऑप्शन को आपको इनेबल रखना है। साउंड क्वालिटी आपको कितनी चाहिए आप यहाँ से सेट कर लेंगे। ऑडियो सैम्पल रेट यहाँ से आप सेट कर लेंगे। आपकी ऑडियो सोर्स क्या है वो यहाँ से आप सेट कर लेंगे। यहाँ पर हमें प्रेजेंटेशन बनाते वक्त कैमरा का यूज़ करना है, तो यहाँ से आपको अपने कैमरा को ओपन कर लेना है। मैंने अपनी कैमरा को ओपन करके रखा है, अगर ये ओपन नहीं है तो आप इसे ओपन कर लेंगे। कौन सा कैमरा आपको यूज़ करना है आप यहाँ से सेट कर लेंगे। अगर आप फ्रंट कैमरा यूज़ करना चाहते हैं या रियर कैमरा यूज़ करना चाहते हैं वो यहाँ से सेट कर लेंगे। अगर आप अपने कैमरा को एक ही पोजिशन में लॉक करना चाहते हैं तो इसे इनेबल करें, अदरवाइज इसे रहने दें। अपने बैकग्राउंड में आप किस तरह का कलर चाहेंगे वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको कैमरा की सेटिंग कर लेनी है। जैसे मेरी रिकॉर्डिंग अभी चल रही है तो आप देख सकते हैं मैं जो रिकॉर्ड कर रही हूँ वो अभी रिकॉर्ड हो रहा है। अभी मैंने कैमरा को यहाँ पर ऑफ रखा है, अभी हम इसे इनेबल कर लेते हैं। रिकॉर्ड करने के लिए पहले आपको रिकॉर्ड आइकन पे क्लिक करना होगा, उसके बाद यहाँ पर वीडियो पे क्लिक करेंगे एंड देन आपको स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पर हमारा कैमरा ओपन हो गया है। अब हम पावर पॉइंट पे चलेंगे, तो अब हम इसकी यहाँ पर स्लाइड शो करवाएंगे। यहाँ पर आपको ऊपर में स्लाइड शो का आइकन दिखता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो अब हमारी स्लाइड्स आ गई है। आप अपनी इमेज को जिधर भी रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। हमें यहाँ राइट कॉर्नर में रखना है तो हम इसे राइट कॉर्नर में रख सकते हैं। अगर आप इसे नीचे रखना चाहते हैं तो आप इसे नीचे रख लें, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप यहाँ पर जो भी PPT में बताना चाहते हैं वह यहाँ से बता सकते हैं। आप अपने PPT को अपने फेस के साथ शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी PPT रिकॉर्ड हो चुकी है, हमने जो रिकॉर्ड किया था वह यहाँ पर सेव हो गया है। अब अगर आप चाहते हैं इसे शेयर करना किसी को तो शेयर कर सकते हैं। अगर आप इसे ट्रिम करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मुझे ट्रिम करना है इसे, तो आप इसे ट्रिम कर सकते हैं।
अगर आप यूट्यूबर हैं और पावर पॉइंट से पढ़ाते हैं तो आपको वहाँ पर एडिटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप एडिटिंग के लिए काइन मास्टर और पावर राइटर जैसे सॉफ्टवेयर रख सकते हैं और उससे आसानी से एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपनी रिकॉर्डिंग को रिनेम कर सकते हैं, आप इसका कोई नाम दे सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको किसी भी तरह से हेल्प करती है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।